दोस्तों, हम हमेशा देखते आ रहे हैं कंपैरिजन्स और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, बचपन से रटते आ रहे हैं। लेकिन किसी कोई हमें ये नहीं बताता कि इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस और कंपैरिजन का फ़ायदा क्या होता है। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि इनसे हमें चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग यानी उन्हें हम सही तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि हम दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कौन सा बंदा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, उन दोनों में कौन सी बातें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो मिलती जुलती नहीं हैं, और हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मिलती जुलती हैं। तो इन दोनों में जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी है, और जो प्लांट सेल है इसके एनिमल सेल के तो है ही है, जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल के नीचे यानी अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, और प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इसके अलावा दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, और दोनों में जो है गोल्जी बॉडीज भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। तो अब हम इनके डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। तो डिफरेंसेस में जो पहला डिफरेंस है वो साफ आपको नजर आ रहा होगा कि जो एनिमल सेल है वो उसकी शेप जो होती है या तो वो राउंड होगी और ज्यादातर इरेगुलर होती है, यानी बेतरतीब सी होती है। मतलब कोई उसमें तरतीब यानी आपको तरतीब नजर नहीं आ रही होगी, कहीं से वो थोड़ी बेतरतीब है, इरेगुलर है, और ज्यादातर राउंड ही होती है, स्फेरिकल राउंड यानी ओवल और गोल सी ही होती है। जबकि जो प्लांट सेल की शेप होती है वो या तो रेक्टेंगुलर होती है या तो रेक्टेंगुलर होती है या फिर वो क्यूबिकल शेप होती है, जिसका क्यूब होती है। जैसे ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ, ये होती है क्यूब शेप। तो जो अगला डिफरेंस है हमारे पास वो है सेल के साइज का। जो एनिमल का सेल होता है वो छोटा होता है बनिस्पत प्लांट के सेल के, और इसका जो साइज होता है वो लार्जर साइज होता है इसका। फिर आ जाते हैं अगले डिफरेंस पे जो कि है सेल वॉल का। जो प्लांट सेल होता है उसके एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक तो उसको सपोर्ट देता है प्लांट के सेल को, दूसरा उसे रिजिडिटी यानी उसको मुस्तहकम एक मजबूत प्लांट सेल को बनाता है, और तीसरा ये कि वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी किस्म की इंजरी से। सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो अगला डिफरेंस है वो है वैक्यूल्स का। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है और वो नंबर में ज्यादा होते हैं। तो वैक्यूल्स का जो साइज है, वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड मैनी, मतलब वो छोटे होते हैं और तादाद में ज्यादा होते हैं। जबकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो तादाद में थोड़े होते हैं, या फिर एक ही जो मेच्योर सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स होते हैं जो अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच चुके होते हैं उनके अंदर एक ही वैक्यूल, और वो एक ही सेंट्रल और बड़ा वैक्यूल होता है जो कि 90% यानी 90% तक सेल की जो जगह है वो घेर सकता है। लार्ज वैक्यूल्स, जो अगला डिफरेंस है वो आ जाता है आपके पास सेंट्रियोल्स का। तो जो एनिमल सेल है उनमें सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है उनमें नहीं होते, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। आर
आपने देखा, जो अगर मेरी आपने वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देखे, उनमें मैंने एनिमल सेल्स के मुताबिक कुछ बताया था। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रोजोम्स होते हैं, और उन सेंट्रोजोम्स में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल मतलब इस एंगल पे मौजूद होते हैं। अब वो उनका काम क्या होता है, वो सोर्स होते हैं, वो मंबा यानी मरकज होते हैं सेल में माइक्रो ट्रिब्यूल्स के लिए, और माइक्रो ट्रिब्यूल्स सेल के ढांचे का एक अहम जुज, एक अहम पार्ट होती है। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट यानी नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल में माइक्रो ट्रिब्यूल्स होते हैं। तो जो हमारा अगला डिफरेंस आ जाता है वो है न्यूक्लियस के बारे में। अब जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा एक वैक्यूल है और यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल हैं, तो जो इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल एक तरह से दरमियान में होता है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस जो है वो तो फिर दरमियान में जिस तरह एनिमल सेल में होता है वैसे नहीं रह पाएगा। तो जो न्यूक्लियस होता है आपके पास जो प्लांट सेल का, वो साइट पे धकेला जाता है वैक्यूल से, वैक्यूल उसको साइट पे धकेल देता है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये है आपके पास जो एनिमल सेल है उसका सेंट्रल न्यूक्लियस है, और जो प्लांट सेल है उसका न्यूक्लियस साइट पे धकेला गया है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज एट सेंटर, और जो प्लांट सेल है वहां पे न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब साइट पे, जो किनारों पे है। और फिर जो हमारे पास आखिरी डिफरेंस अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपके पास प्लास्टिड्स का। जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके अंदर एक कीमियाई मादा यानी पिगमेंट पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड्स के अंदर, जो कि प्लांट्स के मुख्तलिफ सेल्स को मुख्तलिफ कलर देते हैं। जैसे कि अमूमन जो प्लांट को हम ग्रीन कलर देखते हैं वो होता है क्लोरोप्लास्ट्स की वजह से, जो कि अपने अंदर जो कीमियाई मादा रखते हैं यानी पिगमेंट, वो पूरे प्लांट को ग्रीन यानी सब्ज रंग देता है। तो पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जबकि सॉरी प्लास्टिड्स उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है तो इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट। जो कि प्लांट को उसका करेक्टरिस्टिक यानी उसका जो तमाम आप देख सकते हैं ग्रीन कलर प्लांट के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, वो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो कि प्लांट्स के जो पेटल्स यानी उनकी पत्तियां होती हैं फूलों वगैरह की, उनको कलरफुल बनाते हैं। और इसके अलावा जो पके हुए फल होते हैं उनको उनके जो रंग होता है उनके ये वजह होते हैं। और जो आखिरी पे जो होते हैं एक और प्लास्टिड वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इनका कोई रंग नहीं होता है पिगमेंट्स का। तो ये जो प्लांट जो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं यानी जेर जमीन, और उनमें प्रेजेंट होते हैं।